गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे कि हम एमएस एक्सेल किस तरह चला सकते हैं, एमएस एक्सेल के अंदर हम कौन कौन से फार्मूले लगा सकते हैं, एमएस एक्सेल वैसे होता क्या है, इसके बारे में आज हम सीखेंगे लेसन टू में। सो नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम एक्सेल, क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पर। स्टार्ट बटन पर क्लिक करते ही हम लोग उसके अंदर लिखेंगे एक्सेल। एक्सेल एक्सेल लिखने के बाद एक्सेल का जैसे ही आइकॉन आएगा तो आई एक्सेल के आइकॉन पर क्लिक करेंगे और एक्सेल की एक विंडो खुलेगी जिसके अंदर आपको काफी सारे टेबल्स, चार्ट वगैरह वगैरह सारी चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन हमने जाना है ब्लैंक शीट पर। तो हम लोग ब्लैंक पर क्लिक करेंगे, सीधा ही हम स्प्रेडशीट के अंदर पहुंच जाएंगे। इसके अंदर वैसे होता क्या है आप लोगों को पता है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, अकाउंट्स का काम होता है, बिलिंग वगैरह का काम होता है और ऑफिस के मजीद काम भी इसके अंदर होते हैं। अगर आपको कोई भी चीज बनानी हो काउंटिंग के हवाले से या फिर किसी प्रेजेंटेशन या फिर वी लुकअप, काफी एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाना हो तो वो भी इसके अंदर बन सकता है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि टूल्स वगैरह किस तरह बनते हैं एमएस एक्सेल के अंदर। एमएस एक्सेल के टूल्स होते हैं जैसे कि ये होम टैब है, होम टैब के अंदर भी काफी सारे टैब हैं जिसके अंदर से जिसकी मदद से हम लोग एक्सेल के अंदर काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सिखाऊंगा, ये होता है फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। इसके अंदर हम लोग टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे कोई भी चीज, यूट्यूब लिख लेते हैं, यूट्यूब। ये YouTube लिखने के बाद अब हम इसका फॉन्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम लोग बखूबी फॉन्ट चेंज कर सकते हैं। ये देखिए इसका कलर चेंज हो गया। फॉन्ट चेंज करने के बाद फॉन्ट की साइज, साइज के अंदर जाएंगे, साइज चेंज होगी। साइज चेंज करने के बाद अगर आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर पर क्लिक करेंगे, फॉन्ट कलर पर क्लिक करते ही फॉन्ट का कलर चेंज हो जाएगा। ये देखें रेड हो गया। फिर इस फॉन्ट को सिलेक्ट कर लें, इसको अगर आप टेबल देना चाहें तो ये देखें टेबल भी इस फॉन्ट के अंदर लग गया। इसको अगर हम टेक्स्ट को अंडरलाइन देना चाहते हैं तो अंडरलाइन पर क्लिक करें, अंडरलाइन आ जाएगी। बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड पर क्लिक करें, ये बोल्ड आ जाएगी। ये था हमारा होम टैब जिसकी मदद से हम लोग टेक्स्ट को सेंटर, लेफ्ट, राइट कर सकते हैं। और ये रहा हमारा मर्ज बटन। मर्ज कैसे होता है, दो से तीन सेल को मिलाएं और इनको आपस में मिलाने के लिए हम लोग मर्ज करते हैं। यहाँ मर्ज पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारा एक ही सेल बन गया, चारों सेलों को मिला के एक सेल बन गया। चलिए अब हम इसकी साइज के बारे में मालूम करते हैं कि साइज किस तरह बनेगी। ये है कंडीशंस। कंडीशंस ये बहुत बड़ी चीजें हैं, ये मैं आपको सेकंड लेसन के अंदर सिखाऊंगा। इससे हाईलाइट कैसे होता है, टॉप एंड बॉटम, रूलर्स और डेटा बार, कलर स्केल्स, आइकॉन सेट, आइकॉन किस तरह सेट करते हैं, ये ट्रैफिक के इंडिकेशंस होते हैं। इसमें हम अगर कोई ट्रैफिक के बारे में कोई मालूमात वगैरह या इस तरह की कोई भी शीट बनाएंगे तो वहां से बाहर आसानी मिलेगा। अब ये हो गया फॉर्मेट टेबल। हम लोग टेबल का फॉर्मेट किस तरह बनाना चाहते हैं, कोई भी इनमें से सेलेक्ट कर लें, मैं तो ये सेलेक्ट करता हूं, ये देखें हो गया। इसी तरह अब हमारा आ गया सेल स्टाइल। अब हमारा सेल स्टाइल कैसा होना चाहिए, हम लोग यहाँ से सेल सेलेक्ट करेंगे, ये सेल स्टाइल में जाएंगे, ये हमारे सेल स्टाइल्स हैं, ये देखें ये हमारा सेल स्टाइल बन गया। मजीद ये है इंसर्ट, अगर आप कोई सेल वगैरह कोई भी चीज यहाँ पर इंसर्ट करना चाहते हैं, शिफ्ट नीचे के अंदर यहाँ पर सेलेक्ट करें और इंसर्ट पर जाएं और ये इंसर्ट क्लिक करें, ये देखिए आपका सेल दूसरा भी इंसर्ट हो गया इसके साथ ही। ये है फॉर्मेट बार। फॉर्मेट बार का मसला ये होता है, फॉर्मेट बार के अंदर हम लोग रो की विड्थ या हाइट, रो की हाइट और कॉलम की विड्थ वगैरह का हम लोग साइज मालूम कर सकते हैं। ये देखें 16.5 लगा हुआ है, लेकिन हमारे लेटर्स इसके अंदर अगर कंप्लीट ना आए तो हम लोग इसमें अपनी मर्जी का साइज डाल सकते हैं। ये देखिए मैं 17 कर देता हूँ, ये देखें सेल बढ़ गए, सारे के सारे सेल एक साथ बढ़ गए।
और ये देखें मैंने कॉलम की साइज बनानी है 17, ये देखें 17 इनकी साइज इक्वली हो गई, 17 हो गई। और उसके बाद ऑटो सम है, ऑटो सम का क्या होता है, ऑटो सम का मतलब ये होता है कि हम ऊपर से नंबर देते हैं, नीचे जाकर ऑटो सम पर क्लिक करेंगे तो हमारा ऑटो सम आ जाएगा। जैसे ये देख लें 6 4 2 5 4। अब हम यहाँ पर क्लिक करते करेंगे और ऑटो सम पर क्लिक करेंगे, इंटर दबाएंगे तो हमारे ऊपर वाले सारे नंबर्स एक साथ काउंट हो जाएंगे। यहाँ तक हमारा होम टैब क्लियर हो गया। मजीद हम सेकंड वीडियो में सीखेंगे आगे कि हम इंसर्ट टैब के अंदर क्या होता है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह।